एफआईआर दर्ज करना बिहार पुलिस के लिए लाजमी ही नहीं था बल्कि उनके लिए जरूरी भी था। ये अगर प्रेसिडेंट बनता है तो प्रेसिडेंट बनना चाहिए पर फैक्ट वैसे ही होने चाहिए। जो ये एक संशय जाहिर किया जा रहा है कि दूसरी स्टेट में ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगी, वैसा जो डर है वो बिल्कुल उसका कोई भी बेसिस नहीं है, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केस। हर केस के फैक्ट के बेसिस पे होगा। इस केस में जो फैक्ट थे उसके बेसिस पे कानून के तहत बिहार का सीबीआई रजिस्टर, बिहार का एफआईआर रजिस्टर करना लाजमी और उचित पाया गया। मनिंदर जी, जैसा कि आपने बताया कि खुद महाराष्ट्र सरकार ये चाहती थी कि वो इस फैसले को चैलेंज कर सके, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं करने दिया, लेकिन इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, एक बैठक चल रही है जिसमें वहाँ के गृहमंत्री हैं, एडवोकेट जनरल हैं और भी कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। अब अगर कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है तो क्या सिर्फ ये बैठक एक फेस सेविंग और सियासी बैठक है या कोई और गुंजाइश अभी बाकी बचती है उनके लिए? देखिए, ये सवाल आपका कानून से परे है, इसलिए या तो आप किसी पॉलिटिशियन से पूछें या किसी और से पूछें। सीएम मीटिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे लिए आपके वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया टीवी से बात की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि पटना में दर्ज हुई एफआईआर सही थी।